ये समय है डरावनी कहानियों का। तुम्हारा बहुत ये किस्सा उस समय का था जब मैं अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहा था। मैंने लगभग सारा सामान रख लिया था, बट कुछ सामान अभी भी बाकी था। अपने सामान को ऊपर शिफ्ट करके मैं बहुत थक गया था। उसके बाद मैं फ्लोर पे लेट गया। फ्लोर पे लेटते ही मैंने ऊपर देखा उसमें कुछ लिखा था। कुछ समझ तो नहीं आया, बट उसके बाद एक औरत दिखी मेरी खिड़की से बाहर, जो मेरी तरफ ही देख रही थी। ये मुझे काफ़ी स्ट्रेंज लगा और कुछ डरावना भी था। मैंने अपने पर्दे बंद कर दिए। अपार्टमेंट में शिफ्ट करते ही पहले दिन मुझे ऐसा एक्सपीरियंस होगा मुझे नहीं पता था। और अगले दिन जब मैं अपने काम पे जा रहा था, आई सॉ हर अगेन। इस बार मैंने उसको काफ़ी क्लियरली देखा और वो बहुत डरावनी लग रही थी, जैसे वो मुझे ही घूरे जा रही थी। और शायद रात से वो वहाँ से हिली भी नहीं थी, क्योंकि उसके कपड़े अभी तक वही थे जो रात में थे। मेरे घर पे अभी भी बहुत सारा सामान ऐसे ही बिखरा हुआ था, जो मेरे लिए अकेले करना बहुत मुश्किल था। मैंने अपने दोस्त को उसके बारे में बताया कि वो आके मेरी हेल्प करे, बट उसने मेरी हेल्प करने से मना कर दिया क्योंकि उसको डेट पे जाना था। मैंने उसको उस औरत के बारे में बताया, बट उसने फिर भी मुझे मना कर दिया। खैर, इस बात को भूल के मैं वापस अपने घर की तरफ बढ़ा। और जब मैं अपने अपार्टमेंट पहुंचा, मेरा डोर ऑलरेडी ओपन था। शायद मैं उसको लॉक करना भूल गया था। मे बी वो मेरा नया घर था, मेरे को आदत नहीं थी इसलिए। थक हार के वापस आने के बाद मैं वापस उसी फ्लोर पे लेट गया। मुझे फिर से वही पेपर का टुकड़ा अपने रूफ पे मिला जो मुझे पहले दिखा था। मैंने उसको निकालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, बट मुझे बहुत अच्छे से याद है उस कमरे में कोई भी नहीं था। वो वहाँ पे बस ऐसे ही आ गई जैसे वो गायब थी। किसी ने मेरी बात पे बिलीव नहीं किया। मैं वापस अपने रूम की तरफ बढ़ा, और जब मैं अपने रूम से अपने जूतों के निशान साफ कर रहा था, तो मुझे वो कागज़ का टुकड़ा फिर से मिला। इस बार वो टेबल के नीचे था। मैंने टेबल में झांक के देखा और वहाँ पे एक नहीं, सैकड़ों कागज़ के टुकड़े पड़े हुए थे। मैंने उन टुकड़ों को निकालने की कोशिश की, और जब मैंने वापस ऊपर देखा, जापान में एक्चुअली एक आर्ट फॉर्म होती है स्टोरी टेलिंग की, और यमिशिबाई उनमें से एक है। तो मैंने वहीं से ये स्टोरी ली है। आई होप यू गाइस लाइक इट। तो मैं इसको और बनाने की कोशिश करूँगा। यमिशिबाई में बहुत सारी स्टोरीज हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं और भी स्टोरीज आपके सामने लेके आऊँ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।